जिनाज यौम पाकिस्तान के मौके पर यौम पाकिस्तान के शानदार इनेकाद पर मुंतजमीन में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त इनामात तकसीम कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान परेड के शानदार इनेकाद पर मुंतजमीन में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इनामात तकसीम कर रहे हैं। सिविल इंतजामिया सी डी ए के मुलाजमीन और तमाम तर वो लोग जिन्होंने यौम पाकिस्तान परेड का शानदार इनेकाद करवाया उनमें वजीर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इनामात तकसीम कर रहे हैं। ये लाइव मनाजर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी यौम पाकिस्तान परेड के शानदार इनेकाद पर मुंतजमीन में तकसीम कर रहे हैं इस वक्त इनामात जो आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव। हमेशा से एक रिवायत रही है कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी शानदार परेड का जब इनेकाद किया जाता है उसके बाद मुंतजमीन में इनामात तकसीम करते हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तमाम वो लोग जिन्होंने इस शानदार परेड का इनेकाद कराया जिन लोगों ने अपना हिस्सा डाला उन सब में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त इनामात तकसीम कर रहे हैं। बराह रास्त आप ये मनाजर देख रहे हैं जहां सदर डॉक्टर आरिफ अलवी यौम पाकिस्तान परेड के शानदार इनेकाद पर इनामात तकसीम कर रहे हैं। तकरीब इनामात तकसीम करने की तकरीब है ये जिसमें सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुंतजमीन में इनामात तकसीम कर रहे हैं। Shingles Battalion, 13 North Airline Infantry Division, Lieutenant General Muhammad Irfan Javed Malik. Ladakh Battalion, 4 Vice Commander Battalion, Lieutenant General Muhammad Arif Khan Tajik. Special Service Group, SSG, Lieutenant Colonel Irfan Ahmed Khan Yaji, Jaldra Battalion, the Heroes of Savarka, 5th Battalion, Commander Atarazaman Hashmi. Wing Commander Yasir Amin Subhani, ये शाहीन है, ये शाहबाज है, ये हवाबाज है। फखरे कश्मीर 642 मुजाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल यासिर सुल्तान गंगापुर पाकिस्तान रेलवे पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल एहतसाबुल हक बलोचिस्तान लेडीज
Colonel Retired Mohammad Anwar. Pakistan Coast Guard, Lieutenant Colonel Sayyad Khan. Guard Services, Lady Officer, Lieutenant Colonel Dr. Arjuman Ahsan.
हेड ऑफ द टीम फॉर ऑक्सीजन लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद खान। पाकिस्तान एयर डिफेंस विंग कमांडर अजहर मोहम्मद शाह। गन सैल्यूट 86वीं रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल जलीलाबाद हम भाई बता रहे। अब भाई है माउंटेड कॉलेज की 77वीं बॉडीगार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अयाज अहमद। पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाईपास एयर कमांडर शेख। आर्मी एविएशन फ्लाई पास लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर अली। आप आई है मुख्य स्रोत की सबसे पहले जम्मू कश्मीर असिस्टेंट डायरेक्टर लियाकत अजीज। Dune of Pakistan, Gazette Pakistan, Deputy Director and Sergeant Hussain. Balochistan, Hamza Ghani. That's the competition of a fair. Khyber Pakhtunkhwa, Sajjad Hamid, General Manager, Culture and Tourism, Sajjad Hamid. बढ़ते हैं पंजाब के स्टाफ स्पोर्ट खिलाड़ियों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय।
मुझो मेहरान मुझो शान सिर अभी बुला जो शाहिद महबूब ब्रिगेडियर सैयद मोहम्मद वसीमुल हक दो तीन के जी वजन कम हुआ है पिछले दस दिन में जितना इसने किया ना हेडक्वार्टर इश्फाक हुसैन Azerbaijan.
The contingent of Kingdom of Saudi Arabia, Major General Talib Star Abbas Abdullah Al-Zahrani. Army School of Music, Major Tanvir. अब मैं आज की तकरीब के मेहमान खसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से दरख्वास्त करता हूं कि वो तकरीब से खिताब फरमाएं। खवातीन हजरात, सदर पाकिस्तान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एवीएम काशिफ कमर साहब, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरों और जवानों, मेहमानान गिरामी, ख्वातीन हजरात, अस्सलाम अलैकुम। मेरे लिए बेइंतहा बाइस फख्र है ये बात कि आज आपकी इस तकरीब में शरीक हो रहा हूं, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस बात पर है कि कल जिस अंदाज से, जिस पेशावराना तरीके से, जिस नज्म व ज़ब्त के साथ आपने परेड का अहतमाम किया, मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मुझे इस बात की खुशी होती है, बल्कि साथ साथ बैनुल अक्वामी दुनिया की जो नजरें पाकिस्तान पर हैं, उनको भी अंदाजा हो जाता है कि इतनी डिसिप्लिन फौज जिस मुल्क की होगी, उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। ये मुझे, मेरा ईमान है, मुझे कॉन्फिडेंस इस बात पर है, और वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को देख कर आता है। वो कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि आप किस अंदाज से नज्म के साथ ये सारा काम करते हैं, माशाल्लाह, कुर्बानियों से गुरेज नहीं करते। और जितनी शहादतें होती हैं, मैं हर चंद दिनों के बाद उनके घरों से राब्ता करता हूं, और जितने फख्र के साथ वो इस बात को बयान फरमाते हैं, सब माँ बाप, वालदेन, भाई बहन, जितने फख्र के साथ ये बात करते हैं कि जी ये तो एक सपूत था खानदान का, और भी होंगे तो हम मुल्क के लिए उनको कुर्बान करेंगे, और मेरी आंखों में आंसू, उसके साथ साथ मेरा फख्र से सर बुलंदी होता है कि ऐसी कौम को, फिर वही मैं बात कहूंगा कि कोई आंच तक नहीं पहुंचा सकता। तो आपके बलबूते पर, आपके ताकत की बुनियाद पर पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, मगर इससे कभी नजर हमको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर जिस तरह से हमारे ऊपर यलगार रहता है, कभी खराब फेक न्यूज का होगा, कभी साइबर वॉरफेयर का होगा, कभी प्रोपेगेंडा का होगा, तो लिहाजा हमें हमा वक्त चौकुन्ना रहना है। और पहले तो ये होता था कि कोई जंगी इकदाम होता था, उसकी बुनियाद पर हमें चौकुन्ना रहना होता था, मगर अब तो ये है
कि रोजाना हमारे ऊपर साइबर हमले भी होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से हमारी सोचों को बदलने की कोशिश की जा सकती है और की जाती है, मगर जो हमारी तारीख है उस्वे हसना से लेकर खुलफाए राशिदीन से लेकर और इस मुल्क के बानी लीडरान के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं, उनको देखते हुए मैं समझता हूं कि जिस चक्की से पिस कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया का मुसलमान जिस चक्की से पिस कर निकला है, वो किसी तरह से इंशाल्लाह हजरत मूसा की वो 40 साल कौम के ऊपर जो अल्लाह ने आजमाइश डाली थी उससे कम ये पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा ये भी जहन में रखिए कि दुनिया जो मर्जी आए हमें कहती रहे, उसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये बेहतरीन मौका है कि अपने ट्रुप्स के साथ अपनी अफवाज के साथ एक बात आपके साथ जरूर करूं और वो ये कि अपने ऊपर फख्र करो। जब भी मुश्किल औकात में पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आजमाइश आई है, हमारे खिलाफ साजिशें हुई हैं तो हम सुरखरू होकर निकले हैं, दुश्मन ने कोई भी काम करने की कोशिश की तो हम वहां सुरखरू होकर निकले हैं, जब एक झूठा जिसको पुरामन धमाका एटमी धमाका कहा जाता है जब 74 में हुआ तो 6-7 साल के अंदर पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत अख्तियार करी अपने दफा के लिए। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी जहां भी पहुंच जाए पाकिस्तान उसका मुकाबला कर सकता है, और 7 साल के अंदर आपने ये बात दिखा दी। उसके बाद हमारे पड़ोस के अंदर जो कुछ हुआ वहां से महाजरीन, आज आप दुनिया को देखें, वो दुनिया जो मुझको और आपको कहती है कि जी ह्यूमन राइट्स की बात करो, आज वहां पर उसकी रवैये मुनाफिकत का भी आपको अंदाजा होना शुरू हो गया होगा कि बहरिये रूम के अंदर महाजरीन को डूबने देते हैं, पनाह नहीं देते, ये आपकी कौम है, आपकी मिलनसारी है, ये इस्लाम का जज्बा है आपके अंदर, ये मोमिन की वो बात है, ये खुलफाए राशिदीन का वो तरीक़ेकार है कि जिसके अंदर आपने 40 साल तक 40 लाख महाजरीन को पनाह दी, कोई कम बात नहीं है, फख्र से मेरा सर बुलंद होता है और मेरी कौम को, और दुनिया के आगे हम उनके सामने कहते हैं कि देखो ये है जज्बा, ये है ह्यूमन राइट्स, वो नहीं जो दिखाते हो। और जिस अंदाज से दुनिया आज गोरे को और काले पर फोकियत देती है, जिस अंदाज से ये उसूलों वाली दुनिया नहीं रही, ये पाकिस्तान का एक भरोसा था कि एक नौमौलूद मुल्क पाकिस्तान, उसने एक नौमौलूद इदारा अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर का मुकदमा रख दिया, ये सोच करके इसके ऊपर फैसला पुरअमन तरीके से होगा, पाकिस्तान पुरअमन तरीके से बना था, पाकिस्तान जमहूरी तरीके से बना था, पाकिस्तान वोटिंग के नतीजे में मिला बना था, तो ये उम्मीद करके हमने उसकी दहलीज पर रखा कि इसका फैसला होगा, मगर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये बात टाल मटोल के रास्ते में है। मगर क्यों है? बस ये आप और मैं अगर समझ जाए अपने मुल्क के अंदर क्यों है, इस वजह से है कि कमजोर अगर इखलाकियात की बात भी करता चला जाए तो उसकी बात दुनिया नहीं सुनती, तो मईशत के एतबार से आपको मजबूत होता है होना है, और वो इखलाकियात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मुसलमानों की उम्मत के अंदर रच बस गई हैं, वो दुनिया ने देखी ही नहीं है। दुनिया के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट, किसके साथ तिजारत है, फैसला उनके हक में होगा, उनके जरिए से होगा, तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारी और आपकी उसूल पसंदी की आवाज भी हमारे माशी इस्तेहकाम के साथ और कौमी यकजहती के साथ दुनिया के अंदर उसका असर होगा। इसके साथ साथ मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, बात चाहे कुछ दिन पुरानी क्यों ना हो, कि दहशतगर्दी का जिस तरह से आप लोगों ने मुकाबला किया और उसके साथ फिर पाकिस्तान की आवाम ने आपके साथ मुकाबला किया और आपकी जो कुर्बानियां हैं उसको भूला नहीं जा सकता। दुनिया में अगर एक ताकत और एक फौज ऐसी है जिसने दहशतगर्दी का सही तरह से मुकाबला किया वो पाकिस्तान की फौज है। दुनिया फेल हुई है, दुनिया इसके अंदर रच बस गई है, तबाह हुई है, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के अंदर उन्होंने हथियार डाले इस बात के ऊपर, मगर आपने कामयाबी हासिल की, तो ये आपकी ताकतें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। और सिर्फ यही नहीं, यही कुर्बानी नहीं जो जंग के अंदर होती है,
अगर कोई आफत आ जाए, जलजला हो, सैलाब हो, तो आप ही मेरे नौजवान, आप ही लोग निकल कर कौम के साथ मिलकर कौम को इस आजमाइश से निकालते हैं। यह है आपकी ताकतें हैं, और इन्हीं ताकतों की बलबूते हम फख्र करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई न साजिश कामयाब हो सकती है, न फेक न्यूज कामयाब हो सकती है। हम हर मामले में, यानी हम हथियार के जरिए मुकाबला कर लेंगे जो हथियारी कैफियत होगी, और हिंदुस्तान ने भी देख लिया जो आपने हशर किया उनके हमले का और तैयारा मार गिराया, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अंदर वॉर के अंदर जितनी स्कर्मिश होती हैं तो आप सुरखरू होते रहे हैं, मगर किसी और मैदान में भी मैं समझता हूं मजबूत कौम बनी है और बड़ी जद्दोजहद के बाद बनी है। ये आजादी कभी भूलना मत, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये उस किताल के बाद की आजादी है जो 1857 में हुआ, जब दिल्ली के अंदर मुसलमानों के खून की बदबू हफ्तों और महीनों रची बसी रही सड़कों पर। ये मत भूलना कि सर सैयद अहमद खान ने फिर कहा कि इल्म हासिल करो, और आज भी उतना ही अहम है उनका ये कहना। और ये मत भूलना कि कायद आजम मोहम्मद अली जिना और अल्लामा इकबाल दोनों इस बात की कोशिश करते रहे कि एक यूनाइटेड इंडिया रहे, और दो कौमी नजरिए पर जब वो टोटली नाउम्मीद हो गए उस रवैये से और जो आज तक जारी है, तब उन्होंने 1930 के अंदर और 1925 के बाद इस बात का ऐलान करना शुरू किया। और ये भी मत भूलना कि जब पाकिस्तान बना, जो शहादतें हुई उसके बनाने के अंदर, जिन चीजों से मुसलमान गुजरा, जिन आजमाइशों से, वो भी मत भूलना। लिहाजा इस कौम की मजबूती के लिए जरूरी है कि मेरे फौजी नौजवानों आप मजबूत रहें, और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कौम भी इस बात का साथ देगी कि पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मजबूत करेगी, मईशत के एतबार से, अकदार के एतबार से, खवातीन के एतबार से, हमारा जो कल्चर है जिसमें हम माँ बाप की इज्जत करते हैं, जो हमारा खानदान है जिसकी वजह से पाकिस्तानी बाहर से बेचैन होकर पाकिस्तान वापस आता है, ये हमारा सोना है, हमारा खानदान हमारा सोना है, हमारा कल्चर हमारा सोना है, और हमारी इस्लामी रवायात हमारा सोना है। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप मुसलसल तरक्की करते रहेंगे, मेरे मुल्क का दिफा करेंगे जैसे जाने निछावर करके दिफा करने की जरूरत पड़ेगी, वो जो सब कुछ आपने किया, तो मैं आपका पाकिस्तान की तरफ से, सिविलियन साइड की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आसान है इस कौम के ऊपर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।